गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रामू सर। टुडे आई विल डिस्कस बेटा क्लास 11 चैप्टर 6। चैप्टर 6 में बेटा हम लोग पढ़ना क्या है, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर मीन्स आप जानते हैं बेटे, लीनियर मीन्स कोई भी इनइक्वालिटी जो सिंगल पावर में हो वेरिएबल की। और इनइक्वालिटी पहले हम समझेंगे इनइक्वालिटी है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को बेटे ये लीनियर इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 1 है बेटा। ये देखिए लीनियर इनइक्वालिटी है क्या। लीनियर का मतलब सीधा सा मतलब है, जब लीनियर होगा तो वहां जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी बेटे, 1 ऑलवेज। और दूसरा केस जो है आपका इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हमारे पास 3 इनइक्वालिटी होती है, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी मींस होती है बेटे, एक होती है ग्रेटर देन, कहते हैं बेटे लेस देन और इक्वल टू इक्वल्स टू, ये कहलाती है हमारी क्या बेटे इनइक्वालिटी। 3 टाइप की इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे इसमें, जो आपने पीछे क्लासेस में इनको समझा होगा, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, दिस इज नोन एज इनइक्वालिटीज, राइट। तो इस पर बेटे लगे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये। और इससे रिलेटेड चैप्टर्स में आपको क्लास 12 में भी एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो इसी पर डिपेंड है और इससे प्रॉब्लम्स आपको आती है। तो बेटे सबसे पहले आप देखिए एक्सरसाइज 6.1 है, क्या है ये लिखा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 24x इज लेस देन 100। और इसका फर्स्ट केस है कि फर्स्ट में एक x इज अ नेचुरल नंबर, ग्रेविटी नेचुरल नंबर, और सेकंड केस है x इज एन इंटीजर, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है या x एक इंटीजर है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बात करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 24x इज लेस देन 100, x इज लेस देन 100 अपॉन 24 ही चला जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई आप कर लो तो हो जाएगा 25 और ये 6। x इज लेस देन 25 अपॉन 6 मींस x इज लेस देन 4 1 अपॉन 6, यानी 4 होल 1 अपॉन 6 का मतलब अगर आप देखें तो x इज लेस देन 4। अगर x नेचुरल नंबर है तो बेटे नेचुरल नंबर क्या है, हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर हमारे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं और ना ही नेगेटिव होंगे। तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं बेटे 1, 2, 3, 4 स्टार्ट फ्रॉम 1 कार्ड नेचुरल नंबर डू यू नो। तो बेटे हमारे लिए क्या करना है कि इसमें जो x हमारे पास फर्स्ट केस में इफ x इज अ नेचुरल नंबर तो ये लेस देन 4 मीन्स 4.5, तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3 and 4, ये ऐसे रहेगा। 4 से कम यानी कि इससे कम अगर हमारा ये देखा जाए तो ये एक तरीके से यहाँ लगा जाए, ये हो गया। सेकंड केस इन्होंने कहा है बेटे कि x इज एन इंटीजर, इंटीजर आपका होता है बेटा, तो इंटीजर में कोई भी आपका कंप्लीट नंबर और ये डेट एंड डैश करके लिखेंगे माइनस आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, up to 3 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। या रियल नंबर इसके लिए आप -∞ to 3, ये हमारा सोलूशन सेट कहलाता है, क्या कहलाता है बेटे सोलूशन सेट, इसी कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको नोट करिए बेटा। और देखिए
तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है इसमें क्लास सिक्स सेवन्थ या स्टैंडर्ड के, इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर केस, ये भी ऐसा ही है। 5x-3 <7, इसको बेटे हम सॉल्व करेंगे तो 5x-7 3 को राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। 5x-10 x-10 upon 5 दिस कैंसिल, x is less than 2, ये केस आया। ठीक है, अब इन्होंने इसमें भी कहा कि इफ x इज आर नेचुरल नंबर, उन्होंने कहा है when x is a natural number, अगर ये बेटे नेचुरल नंबर है तो हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर, ये वन होगा सिर्फ ऑनली, लेस देन टू वन हो गया। और आपका सेकंड केस क्या है, when x is a real number, x is a, अगर रियल नंबर होगा बेटे तो रियल नंबर में आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेके बंद। ठीक, ये इसका सलूशन सेट हो गया, इज इट क्लियर। तो ये बेटे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई खास ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर, और ऐसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, कोई खास क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो ये 3x-5 is greater than 7 है बेटे, टाइप से 5x-1, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे बेटे तो यहाँ पर रहेगा x को सेम साइड ले लो, 3x-5x is greater than -1+7 ऐसे, तो ये -2x is greater than 6 राइट, और x से -x is greater than 6/2 -x is greater than 3, ये माइनस को अगर हम शिफ्ट करते हैं या साइन चेंज करें इनके दोनों पे तो आपको ध्यान रखना है इक्वलिटी भी चेंज हो जाती है, यानी कि जो इनइक्वलिटी होती है अगर लेस देन है तो साइन चेंज करते वक्त ही बेटे ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा x is less than -, ये कंडीशन आ गई है x की क्रिटिकल वैल्यू हो गई, बस यही पूछा x is less than -3। अगर बात सोल्यूशन सेट की कोई करेगा सोल्यूशन सेट तो आ जाएगा less than -3 तो -∞ to -3 लेस देन है तो आपका वन के -4 ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और बेटा देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9, है x+x/2+x/3 <11। ऐसे से करना है तो इसको एलसीएम टेक कर लेते हैं, ये 3 रहा, सॉरी एलसीएम रहेगा बेटे इसका 6, 6x+3x+2x <11। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6 3 9 2 11x less than 66, x less than 6 रहेगा तो x is less than 6 ये वैल्यू आ गई x की। और यहीं पे आपसे कोई कहे सोल्यूशन सेट लिखने के लिए तो ये हो जाएगा less than -∞ to 5, दिस इज सोल्यूशन सेट राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसी क्रम में, बाकी क्वेश्चंस होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा,
37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर एंड इक्वल देन 9x माइनस 8x माइनस 3 ऐसा है बेटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर एंड इक्वल देन 9x माइनस 8x प्लस 24, ये 8x सही से लिखी है। इसमें हम करेंगे क्या, x की टर्म को सेम साइड करते हैं, x की टर्म को सेम साइड करेंगे यानी कि 37 माइनस 3x ऐसा तो 37 माइनस 5 रहेगा 32 माइनस 3x ग्रेटर इक्वल देन 9x माइनस 8x हियर रिमेन x 9 माइनस 8x प्लस 24। यू कैन टेक x सेम साइड 3x माइनस x ग्रेटर देन 24 माइनस 30 माइनस 4x माइनस 8। और माइनस को बेटे इसमें ऐसे काटते नहीं है, माइनस जब चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी यानी कि 4x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 2। दिस इज सॉल्यूशन, नोट डाउन इट बेटे, इसको नोट कर लीजिए। तो इस टाइप से आपके ये 14 क्वेश्चन था। और इसमें क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इनइक्वालिटी क्वेश्चन नंबर